पैंट का की है गाइज। मैंने आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे फॉर्म दिखाए हैं। ये सारे फॉर्म आपके पास होने चाहिए ट्रैवलिंग से पहले, मतलब पहले आपने टिकट बुक करवानी है, ठीक है। और टिकट कंफर्म होने के बाद फिर आपने अपने मतलब PCR जिस दिन आपकी टिकट आपने कंफर्म जो करवानी है ना, वो आपके मतलब क्या ना, आपने एक हफ़्ते बाद ही करवानी है, ठीक है। एक हफ़्ते बाद की जो टिकट होगी वो आपको, क्योंकि होटल की बुकिंग जो होगी वो आपको एक हफ़्ते बाद की ही मिलेगी। ऐसा नहीं करना कि आपने दो दिन बाद की आप टिकट बुक करवा ली हो, सही है, तो इस तरह से आपको दो दिन बाद फिर आपको होटल की बुकिंग नहीं मिलेगी। एक हफ़्ते बाद टिकट बुक करवा लेना और एक हफ़्ते बाद ही आपको होटल की बुकिंग मिल जाएगी। और डोमेस्टिक स्टाफ और वर्कर का जो मतलब कि कैंप जो होटल है पड़ा शेयर रूम के लिए, वही आपको बेस्ट रहेगा। तो वही आपने मतलब के टिकट उसी की आपने होटल की बुकिंग करवानी है, वो आपको 2168 रियाल में मतलब बनेगी। और होटल की बुकिंग के लिए आपने एक चीज़ का याद रखना है कि होटल बुकिंग से पहले आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए, ठीक। जैसे आप टिकट कंफर्म होगी वो, क्योंकि वहाँ जो जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे होटल की बुकिंग करने के लिए, तो उस टाइम के लिए मतलब कि आपको वो हर एक डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि किस तारीख की आपकी फ़्लाइट है, कितने बजे आप पहुंचेंगे उसी डेट की आपने होटल की बुकिंग करवानी है। दूसरी बात ये है कि आपने मतलब के क्रेडिट कार्ड से अपनी होटल की बुकिंग करवानी है। ट्रैवल एजेंट जो होते हैं जो आपको टिकट बुक करके देंगे, वही आपको होटल की बुकिंग भी करके देंगे, ठीक है। उनसे कहना है कि आप मुझे होटल की बुकिंग भी करवा के दें। ये होगा कि 2-3 हज़ार आपसे वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होते। जिस भाई के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने ही घर बैठे क्रेडिट कार्ड से ही होटल की बुकिंग कर सकता है। 2168 रियाल को आप गूगल की जो पेमेंट सिस्टम शो हो रही होगी, उतनी पेमेंट आपने मतलब 5-6 हज़ार ऊपर आके अपने अकाउंट में डालकर आप घर बैठ के होटल की बुकिंग कर सकते हैं, सही है। दूसरी बात, उसके बाद अगली बात ये मैं आपको बता दूं कि जो आप मतलब के होटल की बुकिंग कंफर्म जब हो जाएगी, ठीक, उसके 5 मिनट बाद आपको मैसेज ईमेल आ जाएगी बुकिंग कंप्लीट। जो मैंने आपको होटल बुकिंग का जो फॉर्म दिखाया है इसमें जो मेरे लिखा हुआ था बुकिंग कंप्लीट, इस तरह से उसका भी बुकिंग कंप्लीट का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उससे बाद आपने करना ये है कि जब आपका होटल बुक हो जाए, फिर आपने मतलब कि जब PCR जो टेस्ट जो कोरोना का जो टेस्ट करवाना है वो आपने 48 घंटे पहले नहीं करवाना, आपने इतना टाइम रखना है कि आप कतर पहुंचते तक आपके 48 घंटे मतलब के अभी टाइम बचता हो 48 घंटों में। ये ना हो कि 48 घंटों में एक मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी आज फ़्लाइट है, ठीक है, आप कल उसके आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। फ़्लाइट से आपने 25-30 घंटे पहले आप टेस्ट करवा लें तो 24 घंटे में आपको वो टिकट वो आपको ऑनलाइन 5 घंटे में ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है। जब 5 घंटे में ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप उसने उस रिपोर्ट को आपने प्रिंट आउट करवा लें, उसके बाद आप एयरपोर्ट के लिए उस अगले दिन एयरपोर्ट पर आ जाएँ। इस तरह से आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक हो गया। अब आपका टेस्ट भी हो गया, बुकिंग भी हो गई, टिकट भी हो गई, सही है। इस तरह के जो दो फॉर्म मैंने आपको दिखाए जिनको फिलअप करने थे वो थोड़ी देर तक मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, आपने क्या क्या लिखना है उसमें, कौन से टिक मार्क करने हैं, ये दो फॉर्म भी आपने फिल करने हैं, ठीक है। अब मैं और उसके बाद अब मैं आपको मतलब कि ना अंदर ले जाऊँगा, जब भाई किस तरह से चेकिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ वो मांगेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी पड़ेगी, सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा।